गृहमंत्री अमित शाह ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचकर कांग्रेस पर खूब हमला बोला। विकास जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से भगवान राम लल्ला के मंदिर का उद्घाटन होगा तो पूरा देश दिवाली मनाएगा, जबकि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। गृहमंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव पहुंचे। समर्थकों के उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहली दिवाली आप अगले महीने मनाएंगे, दूसरी बार आप दिवाली तब मनाएंगे जब बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, तीसरी बार आप फिर से दिवाली मनाएंगे जब पीएम मोदी अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करेंगे। दिवाली का त्योहार मनाने वाला मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में राम लल्ला का, भगवान श्री राम लल्ला का स्थापन होगा तब पूरा देश दीपावली 19 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली। जब नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री बने तो वो चुपचाप भूमि पूजन के लिए चले गए और अब वो जनवरी में फिर से राम मंदिर का दौरा करेंगे। कांग्रेस हमेशा तारीखों के ऐलान के बारे में पूछती रही। मैं राहुल गांधी को जल्द ही अयोध्या जाने की सलाह देता हूँ। मंदिर भी बन गया, तिथि भी बना बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो और चाहे माताओं को एक तिहाई रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।